अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुल्फिकार अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल हीरोज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आज हमारे पास 7.5 मन का जो हमारे पास डिजिटल स्केल है, यानी कि 300 kg का एक हमारे पास डिजिटल स्केल है। इसका मसला ये है कि हम इस पर जितना लोड रखते हैं तो ये कोई भी लोड शो नहीं कर रहा। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और उसके बाद इस पर हम लोड रखते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक मोटर है, मैं इसको रख देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको रख दिया लेकिन यहाँ 0-0, मतलब कोई भी शो नहीं हो रहा। 10 kg या 20 kg जितना भी आप रखें, इसको कोई भी पता नहीं चल रहा कि यार मेरे ऊपर कोई लोड रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसको हम यहाँ से खोलेंगे और उसके बाद बारी बारी इसको चेक करते जाएंगे। जी तो दोस्तों, हमने मुकम्मल तौर इसको खोल लिया है, तो देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। इसका जो LED सब वो ठीक है, लेकिन इसका लोड का सेल, जो लोड सेल होता है, वो मतलब कि काम नहीं कर रहा। देखते हैं कि कोई वायर की वजह से या कोई और वजह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वायर निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ 5 वायर इसमें आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 वायर से मुकम्मल तर कनेक्टेड है, मतलब के यहाँ से बिल्कुल ठीक है। ये प्लस माइनस लोड सेल के और ये आउटपुट वोल्टेजेज है, मतलब कि ये सेल के लिए इनपुट वोल्टेजेज और इसके बाद मयरिंग के आउटपुट वोल्टेजेज है, मतलब कि यहाँ सर्किट से बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम दोबारा इसको फिट कर देते हैं और देखते हैं लोड सेल की तरफ। तो दोस्तों, जल्दी से हम इस नट्स को खोल देते हैं और इस ढक्कन को उतार देते हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मुकम्मल तौर कटा हुआ है, तो मतलब कि मुकम्मल तौर ये डिस्कनेक्टेड है कांटे से। दोस्तों, हम इसको खोल देते हैं ताकि देखते हैं कि ये किस तरह मुकम्मल हो जाता है। जी तो दोस्तों, हमने जो लोड सेल को मुकम्मल अलग कर लिया है स्केल से, तो मेरे ख़्याल में ये चूहों का काम है। यहाँ से डिस्कनेक्टेड कर दिया है इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी काटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारा लोड सेल। तो हमारा जो ये वायर्स हैं, ये डिस्कनेक्टेड हैं, तो हम ये बहुत आसान है, इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से सोल्डर करके फिट कर देते हैं।
जी तो दोस्तों, हमने इस जो स्केल को मुकम्मल तौर फिट कर लिया है, कम्प्लीटली फिट कर लिया है। तो हम इस लाइट को थोड़ा सा बंद कर देते हैं ताकि इसका स्क्रीन जो को आप दोस्तों को अच्छी तरह समझ में आ सके। सेम टू सेम हम वही मोटर रखते थे जो पहले हमने रखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1.6 kg, मतलब कि 1600 ग्राम। तो दोस्तों, हमारा जो ये स्केल है कम्प्लीटली माशाल्लाह ठीक हो गया। तो मैं इससे 1.6 kg से ज़्यादा वज़न रख देता हूँ। आप देख सकते हैं 60 kg यहाँ लग गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।